कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके चलते कोरोना में सबसे कारगर माने जाने वाला रेमडेसिविर इंजेक्शन बाजार से गायब हो चुका है। कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए कालाबाजारी करने वाले इससे मनमाने दामों में बेच रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजधानी रायपुर से सामने आया है, जहां पुलिस ने भारी मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले में खुलासा हुआ कि आरोपी 4000 में रेमडेसिविर इंजेक्शन लेते थे और प्रतिदिन 6 से 10 रेमडेसिविर इंजेक्शन को बेचने का काम करते थे, जिसमें एक इंजेक्शन की कीमत 30 से 35000 होती थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पिछले कुछ दिनों से लगातार रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी की खबर आ रही थी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्देश दिए गए थे, जेल प्रशासन और ड्रग्स विभाग के साथ मिलकर ये कार्रवाई की जाए, और इसी दौरान साइबर सिक्योरिटी टीम के द्वारा लगातार इस संबंध में अलग अलग टीम बनाकर पतासाजी की जा रही थी। आज दिन में दो अलग अलग टीमों के द्वारा सरस्वती नगर थाना क्षेत्र मधापारा थाना क्षेत्र में करीब 6 लोगों को पकड़ा गया है, और इनसे कुल 9 रेमडेसिविर के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं, जो इन लोग 15 से लेकर 30000 तक में इनके द्वारा कालाबाजारी की जा रही थी।